सीतामढ़ी जिले के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि जो यहाँ लॉकडाउन इन्फोर्स करना है उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। लॉकडाउन के बावजूद जो एसेंशियल सर्विसेज जारी रखने का निर्देश है उसमें हम पूरी तरह से आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। गाड़ियों के आवाजाही या एसेंशियल सामग्रियों के आवाजाही, इसके लिए जो छूट मिली हुई है उसमें पुलिस की तरफ से पूरी तत्परता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी आवश्यक सेवा से जुड़ा हुआ वाहन या उनका माल से लदा हुआ सामान कहीं फंसे नहीं। अगर जिले के अंदर, राज्य के अंदर या राज्य से बाहर भी अगर किन्हीं को कोई बाधा हो रही है तो अविलंब हमारे कंट्रोल रूम पे या इवन मेरे व्यक्तिगत नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि वह सामान बिल्कुल अपने जगह पे पहुँचे ताकि आमजनों को ऐसे किसी भी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की कमी ना हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मेरा यह भी विनम्र अनुरोध होगा कि ये जो आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी जा रही है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। कहीं कहीं ऐसे भी एग्जाम्पल आ रहे हैं कि जहां एम्बुलेंस में प्राइवेट लोगों को भरकर इधर से उधर भेजा जा रहा है, तो ऐसे में हमें कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी तरह के छूट का नाजायज इस्तेमाल नहीं करें और कोई भी ऐसा चीज़ होता है तो इसमें हमें सहयोग करें, हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम तत्परता से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उसको मेंटेन रखने में और आम जन की पूरी तरह से सेवा करने में सफल हो सके। धन्यवाद। मेरे प्रिय सीतामढ़ी वासियों, अभी जिले में लॉकडाउन की स्थिति है, मगर यह समय है कि आप अपने धैर्य का परिचय दें। मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी लॉकडाउन का अनुपालन करें। किसी भी जरूरी सामान की कोई भी कमी नहीं है, सभी जरूरी सामान पर्याप्त मात्रा में है। सामान जैसे खाद्यान्न, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दवा की दुकान हो, सभी 6 बजे से संध्या 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे। दवा की दुकान 6 बजे संध्या के बाद भी खुली रहेंगे। इसके अलावा आपके जो रोजमर्रा के काम है उसमें आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हम सामाजिक दूरियां कहते हैं, उस नियम का पालन करें और सभी कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, घर में रहें। इसके साथ ही जो भी बाहर से आए हैं, ऐसे व्यक्ति जो सीतामढ़ी जिले के बाहर के हैं या ऐसे व्यक्ति जो बिहार राज्य के बाहर के हैं, यदि वो मजदूरी करते हैं या किसी भी अन्य प्रकार के लोग हैं जिन्हें राहत की आवश्यकता है, उनके लिए आपदा राहत केंद्र का संचालन किया जा रहा है। ऐसे लोग हमारे आपदा राहत केंद्र में रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बिहार वासी जो किसी अन्य राज्य में फंसे हैं, उनके लिए भी बिहार सरकार ने प्रयास किया है और जो बिहार के निवासी जो अन्य राज्य में फंसे हैं उनके लिए बिहार राज्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से उन्हें भी मदद पहुँचाई जा रही है। मेरी यही अपील है सभी लोगों से कि आप सभी धैर्य का परिचय दें और सभी जरूरत की वस्तु आपको उपलब्ध होगी। कहीं भी किसी तरह की पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हम सब लगातार सभी चीज़ों के मूल्य पर नज़र बनाए हुए हैं और इसके लिए लगातार छापा भी मारा जा रहा है और सभी स्टॉक की निगरानी की जा रही है। आप सभी से पुनः अपील है कि केवल आप सभी संयम से रहें और सामाजिक दूरियों का पालन करें। धन्यवाद।